हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं देखिए मैं कैसे लग रही हूँ, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइए। गाइस, अभी जस्ट रहा हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो एक्चुअली मैं भी बात करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह के बारे में, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में है और अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो इस विषय में मैं अपना ओपिनियन बतलाने वाली हूँ। सो आप वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। वो एक्चुअली में सारे लोग दीपिका पादुकोण को बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसी है, बस सवाल उठ रहा है, तो मुझे तो वीडियो बनाना पड़ा ही है ना। गाइज, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, किसका दिल नहीं टूटा है, वो सबसे पहले तो कमेंट कीजिए मुझे। ऐसा तो नहीं है कि जिसका दिल नहीं टूटा है, हर किसी का दिल टूटता है। सो गाइस, हर किसी का अलग लाइफ होता है, और वो लोग तो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, है ना, सेलिब्रिटी हैं, तो उनका लाइफ तो ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। तो फिर उनके लिए तो सारी चीज़ें कैजुअल होती है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो जो भी करे, है ना, वैसे भी पास्ट लाइफ में जो भी होता है उससे क्या मतलब होता है? अब तो वो दोनों शादीशुदा है ना, तो बस उन्हें रहने दीजिए। और हाँ, ऐसे मुंह से निकल गया होगा, शो में उन्होंने कहा होगा, आपने तो देखा होगा, है ना। नहीं देखा तो चलिए मैं दिखलाती हूँ, ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ देखिए स्क्रीन में। Not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and you know and then and he comes along and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like I'm going back to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clearly. तो इसमें आपने देखा कि ऐसे दीपिका पादुकोण बोल रही हैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो कहना चाह रही है ना कि वो मन से, मतलब सच में वो मन से नहीं थी शायद, क्योंकि ऐसा होता है ना जब ब्रेकअप होता है तो लोग बहुत अंदर से टूटे हुए रहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी। तो उसके बाद वो शायद हैंग आउट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, चिल कर रही थी, सभी लोगों के साथ मिल रही थी, लेकिन वो दिल से रणवीर सिंह को अभी भी नहीं मानी थी। उन्होंने क्यों कहा ऐसा मैं बतलाती हूँ। वो दिल से नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक बार किसी का दिल टूट जाता है ना, उसके बाद भरोसा करने के लायक ही नहीं बचते हैं इंसान। तो वो सोची होगी कि कैसे मैं बिलीव कर लूँ किसी पर भी, तो वो वैसे उस समय उसको प्यार नहीं हुआ था, दोबारा प्यार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर वो बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलती थी। लेकिन रणवीर सिंह से वो कमिटेड थी, बट वो दिल से एक होता है ना कि हाँ ही इज़ द वन, वो वाला फीलिंग नहीं आया था। लेकिन जब वो सारे लोगों से मिलती थी तो उसके बाद भी उनको रणवीर सिंह का नज़र आया चेहरा, तो इट मीन्स कि यही सच्चा प्यार होता है। आपको क्या लगता है, आप किसी के साथ भी रह लो, और अगर आप किसी के साथ भी रह लो लेकिन भी आपको जिसके साथ आप रह रहे हो उसका एहसास ना हो कि किसी और का ही एहसास आ रहा है, बार बार उसका चेहरा सामने आ रहा है, उसकी यादें आ रही है, इट मीन्स यही तो प्यार है, है ना। तब दीपिका पादुकोण को बाद में रियलाइज़ हुआ होगा और वो फिर उनके पास गई, तो उसने सच कहा आई थिंक। तो सच कहने में लोग इतना उसको, उसके क्या बोले, उसको उछाल क्यों रहे हैं उस न्यूज़ को, वो तो सच बोले। और सारे एक्टर एक्ट्रेस लोग तो क्या ना क्या करते हैं, बट वो लोग तो ऐसे पब्लिक के सामने नहीं बोलते। जब वो बोल रही हैं सच, तो सच का उन्होंने सामना किया, तो आप लोग तारीफ़ करो ना, क्यों उसको आप लोग ऐसे उछाल रहे हो न्यूज़ को। गाइस, दीपिका पादुकोण ने जो भी कहा है वो सच कहा है, सो आई सपोर्ट हर, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ हमेशा से, क्योंकि सपोर्ट इट मीन्स कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनके वर्क को। आप लोग भी ऐसे कीजिए, क्योंकि आप लोग उनको नेगेटिव मत बनाइए सडनली, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, उनका बहुत ही दिल टूटा है, तो सडनली से किसी को एक्सेप्ट करना नहीं हो पाता है। और वो तो है कि उन्होंने सच कहा है, तो सच का हमें तारीफ करना चाहिए। जो इंसान सच कहता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और सारे लोगों के सामने वो बता पाता है, वही तो सच्चा खिलाड़ी होता है।
तो क्या ही मैं बोलूं, जो भी उन्होंने कहा सच कहा, तो आप लोग भी अप्रिसिएट कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं क्या कहूँ, आपका क्या राय है आप कमेंट करके बतलाइए, क्या उन्होंने ऐसा कहा तो क्या आप लोग को लगता है कि उन्होंने चीट किया? नहीं ना, उन्होंने सच कहा है, ठीक है ना, आप लोग भी समझ जाइए उन्होंने सच कहा है, तो सच का आप लोग भी साथ दीजिए। हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, वो दिल से नहीं मान पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था वो उनसे, तो वो ट्राई की, है ना, ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, वो बहुत समझाई खुद को, जब दिल से उनको फील हुआ कि यस रणवीर सिंह ही मेरे पति हैं, तब वो मानी, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हूँ बाय नेक्स्ट वीडियो में।